आज इन लोगों का 10वां दिन पूरा हो गया है, तो 10वें दिन पे हम लोगों ने क्या क्या मैनेजमेंट किया उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। या तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले अगर हम लोग मैनेजमेंट में बात करें, तो आज बहुत अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, तो अंदर से जो ये पर्दा है, ये वाला पर्दा जो है ऊपर उठा दिया गया और बाहर वाला पर्दा पूरी तरीके से इसको खोल दिया गया था, ताकि जो है फ्रेश एयर, मतलब जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाए। और इसके साथ साथ इस तरह से अंदर वाले भी पर्दे इसको खोल के रखे थे। तो आज जो अपना छत्तीसगढ़ वाले आज चले गए हैं, और जो वहाँ से आए हैं, मेरठ साइड से आए हैं हर्ष, वो अभी जो है ट्रेनिंग उनकी चल रही है, और जो छत्तीसगढ़ से जय आए थे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। तो आज मैंने उसका वीडियो भी डाल दिया था। इसके साथ साथ इन लोगों की रैकिंग भी की गई, क्योंकि काफ़ी समय से रैकिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पर्दे बंद रहते थे, अंदर से पूरा बंद रहता था, तो कि रैकिंग करेंगे तो ज़्यादा अमोनिया होगी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने रैकिंग से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, छोटे बर्ड भी थे। तो आज जब पर्दे खुले तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी रैकिंग की गई। अगर मैं बात कर लूँ इनके दूसरे मैनेजमेंट की, पानी में अगर बात कर लें, तो पानी में जो है इन लोगों को नॉर्मल दिन के समय में जो है जो समय था इनका, उसमें पूरी तरीके से इनको सादा पानी दिया गया। और जो रात का समय होता है, रात के समय में इनको जो है हीट अप, जो मतलब थोड़ा सा गर्मी अंदर पैदा करता है, वो दिया जाता है। लेकिन ये जो हीट अप दिया भी जाता है ना, ये एकदम से जो है ना, जब रात के 12 बजे, जब हम लोग जैसे कि ये वाला पानी लगा हुआ है, ये पानी रात के 12 बजे के आसपास ख़त्म होता है। तो जब ये 12 बजे के आसपास ये पानी ख़त्म होता है ना, तो फिर हम लोग हीटअप लगाते हैं, ताकि जब ये हीटअप लगा रहे और ये पूरी तरीके से बल्ब जलता रहे, ठीक है, और रात जैसे जैसे होती है वैसे वैसे हीटर जो है, जैसे कि अभी काफ़ी कम रेड है ना, तो ये हीटर और भी ज़्यादा रेड होता जाता है, तो ये सब जलता रहे। और उसके बाद जब हम उसको हीटअप पिलाएं, तो वो पूरी तरीके से, मतलब एक बर्ड पूरी तरीके से हीट ले ले, और बर्ड जो है और मतलब ठंडी की वजह से कम ना मरे, तो वो हम लोगों का मेन टारगेट रहता है। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा दूसरा बैच था, जो होली के लिए बैच था, वो भी आ गया है। तो वो दूसरा वाला जो फार्म था, जैसे ये अपना फार्म है, इसके पीछे जो अपना दूसरा फार्म है, वहाँ पे अपने बच्चे पड़ गए हैं, ठीक है। तो सारी लाइटिंग का तो सारा इंतज़ाम यहाँ पे ही है, तो वहाँ पे उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा, उतना ज़्यादा तेज लाइट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे गैस हीटर भी जलाया गया है, ताकि गैस हीटर से अपना दोनों काम, जब मतलब जब वहाँ वाला भी काम हो जाए और यहाँ के भी बर्ड अच्छे से रह लें, क्योंकि अभी इन लोग इतने ज़्यादा भी बड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि इनको बिना उसके छोड़ दिया जाए। इसके साथ साथ ये वाला जो पर्दा है, ये अभी कुछ समय में जो है हम लोग नीचे गिरा लेंगे, ताकि जो है मतलब रात में जो है बाहर से जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो थोड़ा बहुत अंदर से रोक सके। तो ये रहा हम लोगों का 10वां दिन। उसके साथ साथ 10वां दिन हो गया है अभी, इन लोगों की मतलब इन लोग काफ़ी बड़े हो गए, तो इन लोगों की जगह बढ़ाने की रिक्वायरमेंट आ रही है, कि इन लोग कम से कम जितनी जगह इन लोग 14 दिन तक लेते हैं उतनी जगह किया जाए। इसके साथ साथ जो मैनुअल ड्रिंकर में पानी दिया जा रहा है, उसको ऑटोमेटिक ड्रिंकर में किया जाए। तो आज के दिन में तो हम लोगों का पूरा समय उसमें चला गया, छोटे वाले बर्ड में चला गया, क्योंकि उनकी ब्रूडिंग था तो उनको ज़्यादा ध्यान देना था। कल जो है इनका जो है जगह बढ़ाएंगे, और इनका जो है मतलब ये आप जो मैनुअल ड्रिंकर है वो उसको जो है ऑटोमेटिक ड्रिंकर कर देंगे, ताकि ऑटोमेटिक जब ड्रिंकर हो जाएगा तो उतना पानी का भी टेंशन नहीं रहेगा। तो बस यार आज के इस ट्रेनिंग में इतना ही है, आज के 10वें दिन पे हम लोगों ने इतना ही सब कुछ किया। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ सैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।